आ रहा है और बाबा रामदेव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा वहीं चलते हैं। जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक बड़ा प्रॉफिट बड़ा मार्जिन उसको देते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स भी यदि धीरज के साथ काम करते हैं और सही दिशा में निवेश करते हैं तो वह भी एक इस प्रगति के समृद्धि के दौर में वो भी समृद्धि के सोपान चढ़ सकते हैं। और ऐसी ही कंपनी है रुचि सोया। दो कंपनियों का नाम सुनकर के काफी लोगों में कई बार ऐसे लगता है कि कहीं कोई घालमेल तो नहीं है, एक तरफ पतंजलि दूसरी तरफ रुचि सोया। और इसीलिए हमने प्रिंसिपली ये डिसाइड किया और डीआरएसपी प्लान के बाद आरएसपी प्लान में भी हमने प्रिंसिपली एग्री किया कि अब पतंजलि एज ए बिजनेस कहो, एज ए उद्योग कहो, एज ए ब्रांड कहो, एज ए पोर्टफोलियो कहो, पतंजलि मेडिसिन में काम करेगा, हर्बल कॉस्मेटिक हेयर केयर डेंटल केयर स्किन केयर इसमें कार्य करेगा, पतंजलि वेलनेस के लिए कार्य करेगा और पतंजलि हेल्थ एजुकेशन रिसर्च और जितने भी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के काम हैं चैरिटी के काम है बहुत बड़े पतंजलि के हिस्से में उनको पतंजलि करेगा। तो पतंजलि का पोर्टफोलियो मैंने आपको बता दिया। अब रुचि सोया जिसका जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये एक ऐसा काम है जिससे हम करोड़ों लोगों को जोड़ना चाहते हैं कार्य से भी और इस समृद्धि के पूरे अनुष्ठान से भी। तो रुचि सोया दिस इज नॉट ओनली ए ऑयल कंपनी और कॉमोडिटी कंपनी, इसके भी चार बड़े खंभे हैं, चार बड़े पिलर्स हैं। एक है एडिबल ऑयल। एक एनसीएलटी प्रोसेस में गई भी एक दिवालिया कहो या बीमार कहो लाचार कंपनी कहो उसको वहां से हमने उभारा। कहां तो 200-250 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करने वाली। और तो रुचि सोया का एक एफपीओ आ रहा है और इस पर पहले भी आप एंकर इन्वेस्टर्स के जरिए करीब 1250 करोड़ रुपए ऑलरेडी उन्होंने जुटा दिए। बाबा रामदेव यही बताते हुए कि दो अलग अलग कंपनी के तौर पर रहेंगे जिसमें वेलनेस का काम तो पतंजलि करेगा लेकिन रुचि सोया के कुछ एक प्रोडक्ट भी मार्केट के अंदर होंगे। आप देख भी रहे थे उनके पीछे जो तस्वीर लगी हुई थी उसमें दोनों कंपनीज के प्रोडक्ट को पकाना शो ऑफ भी किया जा रहा था। खैर अब 850 रुपये का भाव है और डिस्काउंट पर आपको मिल रहा है। आज सुबह भी हमने बातचीत की थी मार्केट के एक्सपर्ट से एफएमसीजी एक्सपर्ट से तो वो भी यही बात कह रहे थे कि इसमें निवेश किया जा सकता है। वैल्यूएशन क्योंकि अभी थोड़ा जज कर पाना मुश्किल है, हाँ बट फेयर वैल्यूएशन तो नहीं बात करेंगे बट हाँ ठीक है निवेश इसमें किया जा सकता है। ये